व्हाट इज़ द टाइम स्पैन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो हमारा जो सिलेबस है वो एलिजाबेथन पीरियड से स्टार्ट होता है ना। तो एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक है, पीरियड कब से कब तक है, 1558 से 1603, याद कर लेना ये। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, अब सोनेट पे आते हैं। सबसे पहले हमारे लिटरेरी टर्म में सोनेट आती है, सोनेट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले, आपको सारे आते हैं क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट, 14 लाइन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर देयर, टू टाइप्स, मेजर टू टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, पेट्रार्कन सोनेट, इसका दूसरा नाम क्या है, इटालियन सोनेट, इटालियन और पेट्रार्कन एक ही है। और दूसरी क्या है, शेक्सपियरियन, जो इंग्लैंड में शेक्सपियर ने पॉपुलराइज की उसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलने लग गए, इसको हम इंग्लिश सोनेट भी कह देते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, अब जब पेट्रार्कन सोनेट की बात आती है उसके दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स ना, पहला ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव की कितनी लाइनें हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स को हम ऑक्टेव बोल देते हैं, लास्ट बच गई 6 लाइन्स उनको हम क्या बोल देते हैं, सेस्टेट बोल देते हैं। वट इज़ द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट, अब पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट होता है उसकी राइम स्कीम अपने को याद होनी चाहिए, क्या है, ऑक्टेव की ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, चार चार लाइनें की अलग अलग राइम स्कीम होगी। और लास्ट में जो सेस्टेट बच गया उसकी तीन तरह की हो सकती हैं, सी डी ई, सी डी ई हो सकती है, सी डी सी हो सकती है, और सी डी ई डी सी ई भी हो सकती है। तो आपको ये सारी याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके ऐसे बन सकते हैं, पूछ लेते हैं कि ऑक्टेव की राइम स्कीम कौन सी है, चार तरह अलग अलग राइम स्कीम आपको दे देंगे, आपको पहचाननी है उसमें कौन सी लिखोगे आप, ए बी बी ए ए बी बी ए, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस मीटर यूज्ड फॉर सोनेट, कौन सा मीटर सबसे ज़्यादा यूज होता है, आयाम्बिक पेंटामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है ना, आयाम्बिक पेंटामीटर में स्ट्रेस का पैटर्न क्या होता है, हाँ पहले अनस्ट्रेस आता है फिर स्ट्रेस आता है, दो सिलेबल होते हैं इसमें, दो सिलेबल के फिट होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेस पैटर्न ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, आगे बड़ा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी पहले कौन सा आता है अनस्ट्रेस्ड, उसके बाद आता है स्ट्रेस्ड, दैट इज यू एस, यू एस लिखा हुआ, यू एस का मतलब अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, शॉर्ट में लिखा हुआ यू एस। हु इंट्रोड्यूस सोनेट टू इंग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेके आया सबसे पहले, किसने लिखना शुरू किया, सर थॉमस वेट एंड हेनरी हॉवर्ड, हेनरी हॉवर्ड का दूसरा नाम अर्ल ऑफ सर्रे भी है, अर्ल उसकी एक उपाधि है, ठीक है। थॉमस वेट की तो हमारे एक पोइम भी ना उन्हें पढ़ी थी ना, माई ल्यूट अवेक, और थॉमस वेट की है वो, तो सोनेट नहीं है लगी। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट, अब शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं तो उसके कितने पार्ट होते हैं, फोर पार्ट्स होते हैं, थ्री क्वाटरेंस और वन कपलेट। थ्री क्वाटरेंस के अंदर कितनी लाइनें होगी, 12 लाइनें, एक क्वाटरन में कितनी लाइनें, चार लाइनें, एक क्वाटरन में चार लाइनें, तीन क्वाटरन में 12 लाइनें, तो ये होगी एक बच गया लास्ट में कपल, कपलेट कहते हैं इसको। तो फोर पार्ट्स हैं इसके, थ्री क्वाटरेंस और फोर लाइंस एंड वन कपलेट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट, इस तरह की सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी, ईजी है तो ना, पहले में ए बी, दूसरे में सी डी, तीसरे में ई एफ, लास्ट में जी, है ना, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोनेट कलेक्शन रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, अब एक फिलिप सिडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट रहा है एलिजाबेथन एज का, तो उसका एक सोनेट कलेक्शन है जिसमें उसने सोनेट्स लिखी हैं, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये उसकी सोनेट कलेक्शन का नाम है। पुराने टाइम में जब लोग कविताएं लिखते थे ना, तो बहुत सारी जब कविताएं इकट्ठी हो जाती थी ना, तो उसको एक बुक के रूप में छाप देते थे, एक एक सोनेट की कोई बुक तो बनती नहीं है ना, बहुत सारी सोनेट छापती थी। अब इसका ये सोनेट कलेक्शन है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, अब ये लिखी कब गई थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इट वॉज रिटन इन 1582 एंड वॉज पब्लिश पोस्टमसली इन 1591, यानी लिखी तो गई थी 1582 में, पब्लिश कब हुई 1591 में। पोस्टमसली का मतलब क्या है, मरने के बाद, जब कोई काम इंसान के मरने के बाद होता है ना, तो उसके आगे लिखा जाता है पोस्टमसली, इसका मतलब 1591 में जब पब्लिश हुई है तो फिलिप सिडनी जिंदा नहीं थे, उनके मरने के बाद हुई है। कईयों को मरने के बाद भी तो इनाम मिलता है ना, इनाम कई वजह से सेना में कई लोग चाहे मर जाते हैं, उनके बाद में उनको सम्मानित किया जाता है, उनके घरवालों को देते हैं, इसका मतलब पोस्टमसली उनको दिया गया है। हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर इन दिस कलेक्शन, अब एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के अंदर कितने कितनी सोनेट्स हैं, 108 सोनेट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, अब एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की थीम क्या है, इसके अंदर जितनी भी सोनेट्स लिखी हुई हैं उनका मेन विषय क्या है, द साइकिल टेल्स द स्टोरी ऑफ स्टेला, स्टेला मीन स्टार, ठीक है, बिलव्ड बाय एस्ट्रोफेल, एस्ट्रोफेल का मीनिंग होता है स्टार लवर, जो स्टार को प्यार करते हैं, यानी स्टेला जो उसकी प्रेमिका थी फिलिप सिडनी की, और फिलिप सिडनी खुद को क्या मानता था, एस्ट्रोफेल, एस्ट्रोफेल यानी स्टार लवर, जो स्टार को प्यार करता है, और बिलव्ड ऑफ ए स्टार, ए प्ले ऑन सिडनीज नेम, हु लव्स पोइट्री ऑलमोस्ट एज मच एज ही लव्स हर, तो फिलिप सिडनी जितना पोइट्री को प्यार करता था उतना ही प्यार वो अपनी प्रेमिका को करता था, तो उसने प्रेमिका का नाम रख दिया स्टेला और खुद का नाम रख दिया एस्ट्रोफेल। तो सोनेट में जब भी वो स्टेला कहीं भी आता है जिक्र, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, अपनी प्रेमिका की।
एस्ट्रोफल का जिक्र जान लिया, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हो, खुद की बात कर रहे हैं। हु वाज स्टेला ऑफ स्टार फिलिप सिडनीज लव पोइम्स। अब ये क्वेश्चन है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में स्टेला थी कौन एक्चुअल में, उसका रियल नाम क्या था, लेडी पेनेलोपे, पेनेलोपे बोलते हैं इसको। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट था, इसके हमें थोड़े से अलग जो और जो इसने काम किए हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। पहला तो एस्ट्रोफेल स्टेला है ही, एक आर्केडिया है और एक है डिफेंस ऑफ पोइजी। नेम द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर। अब एक एडमंड स्पेंसर भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट था इसी एज का, एलिजाबेथन एज का, उसके इंपॉर्टेंट वर्क हमें पता होने चाहिए। पहले तो एडमंड स्पेंसर के बारे में पता होना चाहिए, 1552 या 1553 में इसका जन्म हुआ था और 99 में ये डेथ हो, जल्दी ये डेथ हो गई थी इसकी। वाज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोवन फॉर द फेरी क्वीन। इसका सबसे फेमस वर्क है द फेरी क्वीन, एक पोइम है, बहुत लंबी पोइम है, एपिक पोइम है। दूसरा है द शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड कौन होता है, शेफर्ड नहीं पता, जो भेड़ों को चराता है, चरवाहा। इसमें शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर ना 12 महीनों का जो मौसम होता है उसका वर्णन किया गया कैसा होता है। ऐसी पोइम को हम पेस्टोरल पोइम कहते हैं, ये पेस्टोरल पोइम, ए पेस्टोरल पोइम दैट कंसिस्ट्स ऑफ 12 इक्लग्स ईच रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट मंथ। पेस्टोरल पोइम वो पोइम होती है जो जिसमें ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है, गांव के वातावरण। जस्ट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट इज द फेरी क्वीन, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। द फेरी क्वीन की टोटल बुक्स हैं 6 बुक्स लिखी हुई हैं फेरी क्वीन की। बुक 1-3 पब्लिश इन 1590 एंड बुक 4-6 पब्लिश इन 1596। एंड एपिक पोइम, ये एपिक पोइम है, छोटी मोटी पोइम नहीं है। एपिक पोइम वो होती है जो बहुत लंबी होती है, जिसमें 100-150 पेज तक की हो सकती है, एक पेज की या दो पेज की नहीं होती पोइम वो। जैसे रामायण महाभारत है ना, ये एपिक पोइम्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें बहुत सारे श्लोक हैं। महाभारत में तो 100,000 श्लोक है, रामायण में लगभग 30-40,000 श्लोक हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी पोइम्स होती है ना, जिनको पढ़ने में साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए, उनको एपिक पोइम कहते हैं। तो ये भी देखो 6 बुक्स हैं इसकी। एन एपिक पोइम एंड एलेग्री सेलिब्रेटिंग द वर्च्यूज ऑफ इंडिविजुअल नाइट्स एंड द ट्यूडर डायनेस्टी। ये एपिक पोइम है और इसको एलेग्री भी बोलते हैं, आपको याद रखना है कि एलेग्री है। एलेग्री वो पोइम होती है जिसका सरफेस मीनिंग अलग होता है, डीप मीनिंग अलग होता है, जिसमें हर कोई पात्र ना किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें एलिजाबेथ क्वीन है ना, जो उसको हीरोइन के रूप में दिखाया गया, एलिजाबेथ क्वीन थी उस टाइम की, एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट किया गया किसी और चीज़ में। जैसे मान लो कोई जानवरों की कहानी है, लेकिन जो जानवरों की कहानी थी ना, उसमें पता लग जाता है कि शेर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लोमड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो किसी ना किसी पात्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस चीज़ को एलेग्री कहते हैं। वो दो लेवल पे पढ़ी जाती है, फिर एक तो वो सरफेस पे क्या कहानी चल रही है, दूसरा डीप मीनिंग क्या है उसका, उसमें जो पात्र है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं। तो एलेग्री एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लिटरेचर में बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो है फेरी क्वीन एलेग्री आपको याद रखना है। ईच बुक फोकसेज ऑन ए डिफरेंट नाइट एंड एक्सप्लोर्स वेरियस मॉरल एंड पॉलिटिकल थीम्स। हर बुक में एक हीरो होता है, नाइट बोला गया, नाइट होता है योद्धा, युद्ध करता है, वो जो नाइट होता है ना, एक मॉरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक और इसका है स्पेंसर का एमोरेटी कलेक्शन है, ये 89 सोनेट्स हैं इसके अंदर, एमोरेटी में सोनेट्स हैं, याद रखने वाली चीज़ है। उसमें 89 है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में कितनी सोनेट्स थी, 108 थी, और इसके अंदर 89 सोनेट्स हैं। दैट क्रॉनिकल स्पेंसर्स कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयले। अब इसने भी अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है सोनेट से, और उसकी प्रेमिका का नाम क्या था, एलिजाबेथ बॉयले, ठीक है, इसने 89 सोनेट्स लिखी है। आगे एक एस्ट्रोफेल, इसका भी एक कविता है, कविता का संग्रह एस्ट्रोफेल, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला थी फिलिप सिडनी की, इसकी सिर्फ एस्ट्रोफेल है। ए कलेक्शन ऑफ एलिजीज रिटन बाय वेरियस पोइट्स इंक्लूडिंग स्पेंसर मॉर्निंग द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। अब ये एस्ट्रोफेल उसने किसके लिए लिखी है, सर फिलिप सिडनी के लिए लिखी है। सर फिलिप सिडनी जब मर गए थे ना, तो उनके लिए दुख भरी कविताएं लिखी हैं स्पेंसर ने, उनके दोस्त थे ये, ठीक है, क्योंकि ये भी पोइट था, फिलिप सिडनी भी पोइट था, वो मर गया, तो ये इसके अंदर फिर जो विचार उमड़े कविताओं के रूप में इसने एलिजीज लिखी। एलिजी किस कविता को बोलते हैं हम, हाँ, जिस कविता में हम दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, स्पेशली किसी की मृत्यु पे, ठीक है। अब स्पेंसर के बेस पर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पेंसेरियन स्टेंजा। स्पेंसर ने एक नए स्टेंजा का लिखना शुरू किया था, उसमें 9 लाइनें होती थी। आंसर क्या है, स्पेंसेरियन स्टेंजा इज अ फॉर्म ऑफ पोएटिक स्टेंजा नेम्ड आफ्टर एडमंड स्पेंसर हु पॉपुलराइज इट्स यूज इन हिज एपिक पोएम द फेरी क्वीन। और ये स्पेंसेरियन स्टेंजा उसने कहाँ यूज किया, फेरी क्वीन में। आगे इसमें डिटेल भी होगी, कितनी लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा में, 9 लाइन्स होती है। इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी राइम स्कीम हमें पता होनी चाहिए, ए बी बी सी बी सी सी, ये याद रख लेना, 9 लाइन्स हैं, राइम स्कीम क्या है, ए बी बी सी बी सी सी। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, पहली 8 लाइनें किस मीटर में लिखी हैं,
आयाम्बिक पेंटामीटर में, और बाकी जो नाइन्थ लाइन बचगी उसको हम बोलते हैं एलेक्जेंड्राइन। उस नाइन्थ लाइन का नाम ही एलेक्जेंड्राइन है और वो आयाम्बिक हेक्सामीटर में लिखी है, पेंटामीटर में नहीं, हेक्सामीटर। थोड़ी सी लंबी है, मतलब उसमें 5 मीटर है बाकी में, तो इसमें 6 मीटर थोड़ी सी लंबी होती है। इंट्रोड्यूस डॉन्टन। अब डॉन्टन बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हमारे लिए, ये मेटाफिजिकल पोइट्स का लीडर है, ठीक है। और इसकी एक दो पोइम्स भी हमारे सिलेबस के अंदर। इसका जन्म हुआ 1572 में लंदन में, डेथ हुई 1631 में। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पोइट्स होते हैं ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके थोड़े से जो वर्क्स हैं, वर्क्स अपने सिलेबस में भी हैं, जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये है, बेटर माई हार्ट, ये भी है, दो पॉइंट्स हैं अपने पास। बाकी पॉइंट्स ये हैं, ए वेलीडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, एनिवर्सरीज, बेटर माई हार्ट, डेथ बी नॉट प्राउड, डिवोशन अपॉन इमरजेंट ओकेजन, होली सोनेट्स, पैराडॉक्सिजन। इसमें से दो तीन या तीन चार आप याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो एकदम पक्का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप देखते आपको याद आ जाएगा कि ये डॉन्टन की थी या नहीं थी, बाकियों की आपको याद होगी। एक ब्लैंक वर्स भी है हमारे सिलेबस में, व्हाट इज ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स उन लाइनों को बोलते हैं जो लिखी तो आयाम्बिक पेंटामीटर में गई है लेकिन लास्ट में राइम नहीं करती, यानी मैच नहीं करती लास्ट में, तुकबंदी नहीं होती उसके अंदर। अगर तुकबंदी हो जाती है तो वो ब्लैंक वर्स नहीं है, ठीक है। ब्लैंक वर्स में बस यही है कि लिखी तो होती है आयाम्बिक पेंटामीटर में लेकिन कोई राइम स्कीम नहीं होती है। अरे लाइन का तो मतलब होता है, राइम स्कीम नहीं होती है, यानी लास्ट में जो लाइनें साउंड मैच करती है ना लास्ट वाले शब्दों की, जैसे ए बी किया हमने, वैसे मैचिंग का कोई रूल नहीं होता है, वो बस जैसे पोइट के जी में आता है वैसे लिखता रहता है। लेकिन लिखी एक लेंथ जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, पेंटामीटर में लिखी होती है। स्ट्रेस पैटर्न भी होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स टू इंग्लैंड, ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया, सबसे पहले कौन लेके आया, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सर्रे। व्हाट इज आयाम्बिक पेंटामीटर, ये तो हमने बता ही दिया, एंड आयाम्बिक पेंटामीटर तो अच्छे से याद होना चाहिए आपको। स्ट्रेस पैटर्न क्या है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। उसमें कितने सिलेबल होते हैं लाइन में, 10 सिलेबल होते हैं लाइन में, 10 सिलेबल होते हैं पूरी लाइन में, लेकिन दो दो सिलेबल के 5 जोड़े होते हैं। आगे बात समझ में, 10 सिलेबल तो पूरी लाइन में है, और जो दो दो सिलेबल के कितने जोड़े हो गए, 5 जोड़े हो गए। अब दो सिलेबल में स्ट्रेस पैटर्न क्या है, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस स्ट्रेस, 5 हो गए ना। बस ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पूछ सकता हूँ, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन आयाम्बिक पेंटामीटर, व्हाट इज द स्ट्रेसिंग स्ट्रेस पैटर्न ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, एंड हाउ मेनी फीट आर देयर इन आयाम्बिक पेंटामीटर, कितने फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं, वो जोड़ा है ना उसको 1 फीट बोलते हैं, ओके। अब ये पढ़ लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स विद 10 सिलेबल्स और 5 आयाम्स। अब जो फीट है ना उसको आयाम बोलते हैं, फीट को आयाम भी बोलते हैं, तभी तो इतना 5 आयाम्स, तो 5 आयाम्स हैं उसमें पर लाइन। एन आयाम इज ए मेट्रिकल फुट इन पोएट्री विद 2 सिलेबल्स, वे आर द फर्स्ट वन इज अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेस्ड। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन आयाम्बिक पेंटामीटर, 10। हाउ मेनी फीट आर देयर इन आयाम्बिक पेंटामीटर, 5। व्हाट इज द स्ट्रेस पैटर्न ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। अब आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी हमारे सिलेबस में एक पोइम भी है, द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ships, पढ़ी हुई ना, याद है ना, वो जो हजारों शिप लेकर आक्रमण करते हैं हेलन के लिए, तो इस कविता में तो सिर्फ हेलन का ही जिक्र था। तो क्रिस्टोफर मार्लो 1564 to 1593, इसको ना शेक्सपियर के मतलब लेवल का ही मानते हैं लोग। ये इसकी डेथ जल्दी होगी, ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाया, इसकी लड़ाई होगी थी कोई पब में, दारू पी रहे थे तो फिर लड़ाई होगी तो मर्डर हो गया इसका, वरना ये शायद शेक्सपियर से भी आगे जाता, इसकी मतलब प्लेज इतने अच्छे लिखे इसने। वाज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश प्ले राइट पोइट, प्ले राइट यानी जो नाटक लिखता उसको प्ले राइट बोलते हैं। मार्लो इज ऑफन रिगार्डेड एज प्रीकर्सर टू विलियम शेक्सपियर, मार्लो को क्या माना जाता है, विलियम शेक्सपियर का अग्रज माना जाता है। प्रीकर्सर का मतलब जो उससे पहले आया हो, शेक्सपियर ने इसको फॉलो किया है इसलिए इसको प्रीकर्सर बोलते हैं शेक्सपियर का। जो हो सकता है ये ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता, शेक्सपियर ने इससे प्रेरणा दी थी। व्हाट आर द मेन वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, अब क्रिस्टोफर मार्लो जब इतना इंपॉर्टेंट प्ले राइट है तो हमें इसके मेन वर्क्स पता होने चाहिए। डॉक्टर फॉस्टस, सबसे पहले इसका प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, ये ट्रेजिक प्ले है। ट्रेजिक प्ले होता है जिसमें जिसका एंड जो होता है ना वो दुखदायी होता है, एंड हैप्पी नहीं होता है, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, तो ये ट्रेजिक प्ले है। एक्सप्लोर द थीम ऑफ द फॉस्टियन बार्गेन वेयर द प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर फॉस्टस मेक्स ए पैक्ट विद द डेविल इन एक्सचेंज फॉर मैजिकल पावर्स एंड नॉलेज। इसमें डॉक्टर फॉस्टस जो कैरेक्टर होता है ना वो डेविल से, डेविल कौन होता है, शैतान, भगवान का उल्टा शैतान, जो हमसे गलत काम करवाता है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में माना जाता है ये एक तो गॉड है एक डेविल है, डेविल जो हमसे गंदे काम करवाता है, भगवान हमारी रक्षा करता है। तो डॉक्टर फॉस्टस को ये पता होते हुए भी कि ये डेविल है, उसने डेविल से एक समझौता किया कि तुम मुझे मैजिकल पावर्स दोगे, मैं इस लाइफ को इन्जॉय करूँगा, उसके बाद मैं मेरी आत्मा तुम्हें दे दूँगा, तुम उसका कुछ मर्जी कर लेना। तो जब डेविल ने जब उसको दे दी मैजिकल पावर्स तो उसने खूब इन्जॉय किया, सारे दुनिया के सुख हो गए, लेकिन जब मरने का टाइम आया तब ये रोने लग गया, कह मैं नरक में नहीं जाना चाहता भाई, पहले पैक्ट क्यों किया,
कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब तक इंजॉय कर रहा था तब तक तो खूब मस्ती मारी, जब हाँ मरने की बात आई तब रोने लग गया। हाँ तो ये डॉक्टर फॉस्टर की कहानी, वो जो आती है ना कविता, वाज दिस द फेस दैट लॉन्ग्स ए थाउजेंड शेप्स, तो उसमें वो यही कहता है कि मेरे सामने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री लेके आओ, और उसके हिसाब से दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन थी, हेलन थी, तो वो कहता है हेलन को लेके आओ मेरे सामने। हालांकि हेलन को तो मरे हुए समय कोई ऐसा लोग होंगे, पर फिर भी उसको पता है कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी, तो वो ले आता है, क्योंकि उसने कॉन्टैक्ट किया होता है कि तेरे को सब कुछ मिलेगा, बाद मरने के बाद तेरी आत्मा मैं रखूंगा, उसको मैं तंग करूंगा। तो फिर वो हेलन को ले आता है, जब हेलन के सामने आती है तो उसको देख के मंत्र मुग्ध हो जाता है, कितनी सुंदर औरत। फिर वो गाना गाता है कि क्या यही वो चेहरा था जिसके लिए हजारों शिप समुद्र में उतार दिए गए थे, इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, वो पूरी पोइम पढ़ेंगे तो अपने अच्छा लगेगा। और भी दूसरा इसका वर्क है टैम्बूरलिन पार्ट 1 और 2, और तीसरा है एडवर्ड सेकंड। तो आप मेन ना इसके हेडिंग्स याद रख लेना कि कौन कौन से मेजर वर्क हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स, टैम्बूरलिन और एडवर्ड सेकंड। हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स कुछ ऐसे प्ले राइट थे उस समय जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, तो उनको क्या बोलने लगे लोग, यूनिवर्सिटी विट्स। विट क्या होती है, विट हमारा वर्ड नहीं सुना क्या, आर यू विट्टी पर्सन, जो आदमी दिमागी रूप से तेज होता है ना उसको विट्टी कहते हैं, और विट का मतलब, हाँ बताया था, विट का मतलब होता है माइंड, बुद्धि। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स बोलते थे इनको, यूनिवर्सिटी से निकले हुए बुद्धिमान लोग। तो कौन कौन है ये नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, या हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन यूनिवर्सिटी विट्स, कौन इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल नहीं है, कौन शामिल है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 7 हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज बील, थॉमस नैश एंड थॉमस लॉन्च। इसे कोई ट्रिक बना लेना भले आपको इजी याद रह जाए। इंट्रोड्यूस विलियम शेक्सपियर, अब विलियम शेक्सपियर तो अगर आपको नहीं पता तो फिर लिटरेचर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ तो पता होना ही चाहिए 1564 में, और डेथ हुई 1616 में, और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन ये जगह थी जहाँ वो पैदा हुए थे, इसको बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं, आगे है शायद, है ना। वट इज़ द निक नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर, निक नेम क्या है, बार्ड ऑफ एवन, बार्ड का मतलब पोइट, बार्ड पोइट को कहते हैं। अब शेक्सपियर ने सोनेट लिखी थी, कितनी लिखी, 154 सोनेट्स। बेसिकली शेक्सपियर फेमस है अपने प्लेस के लिए, सोनेट के लिए फेमस नहीं है, उसने जो प्लेस लिखे ना उसके लिए ज़्यादा फेमस है। हालांकि सोनेट्स भी उसकी हम पढ़ते हैं, फेमस उसके लिए भी है, सोनेट उसकी है 154। वट इज द थीम ऑफ हिज सोनेट, उसकी सोनेट किस थीम पर बेस्ड है। द सोनेट कवर ए वाइड रेंज ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग लव, टाइम, ब्यूटी, पॉलिटिक्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, तो उसने सभी सब्जेक्ट्स पे लिखा है लगभग। मैनी ऑफ देम आर एड्रेस टू ए मिस्टीरियस यंग मैन, और बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो एड्रेस उसने की हैं, संबोधित की हैं एक यंग मैन को, वो पता नहीं लग पाया कि वो यंग मैन कौन था, उसका दोस्त होगा शायद, एंड ए डार्क हेयर्ड वुमन, एक डार्क लेडी को भी एड्रेस करके, कुछ पॉइंट्स उसने डार्क लेडी के लिए भी लिखी है, वो हो सकता है उसकी प्रेमिका रही हो। इंपॉर्टेंट सोनेट्स कौन कौन सी हैं अपने सिलेबस में, शेक्सपियर की है क्या, पहले तो थी वो द सेवन एजेस ऑफ मैन, अब शायद देखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये याद रखनी है। इसके दो दो नाम है, सोनेट 18 का नाम, दूसरा नाम ये शैल आई कंपेयर दी, सोनेट 29 है इसका नाम वेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज, 73 है टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड, ये आप देख लेना। अब आता है इसके लिए शेक्सपियर सबसे ज़्यादा फेमस है ट्रेजेडीज के लिए, ट्रेजेडीज क्या होते हैं, हाँ जिस प्ले का एंड हैप्पी नहीं होता है, सैड एंडिंग होती है, जिसमें सब मर जाते हैं लास्ट में और आदमी रो के बाहर निकलता है थिएटर से, तो उस प्ले को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। तो शेक्सपियर अपनी 4 ट्रेजेडीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यह है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। मैकबेथ हमारे सिलेबस में है, इसके मैं अभी आपको भेजूंगा जल्दी, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं रिटन बाय शेक्सपियर। हालांकि उसने 37 प्लेज लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे प्लेज मास्टरपीस हैं, और ये उनमें से भी मास्टरपीस है। आगे और भी हैं, कैरोलिनस और रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, कोई लड़का वाला कभी करता है तो सोता कर देते हैं, रोमियो बड़ा बेहतर है ये ऐसे तो निकला है, हालांकि इस प्ले में तो रोमियो था हुआ था, मर जाते हैं, रोमियो एंड जूलियट ट्रेन से निकल जाती है, इनके घरवालों की नहीं बनती है, ये तो आपस में प्यार करते हैं लेकिन घरवाले कट्टर दुश्मन होते हैं, तो फिर एक के बाद एक मरते जाते हैं लास्ट में सारा खानदान तबाह हो जाता है। अब है फेमस कॉमेडीज बाय शेक्सपियर, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 37 हो गया ना, थक रहे हो मुझे पता है, फेमस कॉमेडीज बाय, अच्छा अच्छा, कॉमेडीज है मिड समर्स नाइट्स ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, 12th नाइट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेमिंग ऑफ शिरूज, लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये आपको याद रखने हैं। आपके इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज प्लेज इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, रिटन बाय शेक्सपियर, इस तरह का आ जाता है। तो रट्टे वाले मत मारना, 2-3 बार आप निगाहों से निकाल लोगे ना तो आपको याद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते ही, शेक्सपियर का था या नहीं था, आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि शेक्सपियर के प्ले बताओ लिखो कितने लिखे हैं, आपको याद नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ना, लिखना थोड़ी है, वहाँ पर आपको छांटना है,
ये सर पूछा था कि विच प्ले इज ए कॉमेडी, विच प्ले इज ए ट्रेजेडी, फिर आपको तीन कॉमेडी दे देंगे, एक ट्रेजेडी दे देंगे, एक ट्रेजेडी आपको छाटनी है। ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा वैसे। 38 क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट एसेइस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। अब एसेइस्ट की बात करते हैं तो एलिजाबेथन एज का सबसे फेमस एसेइस्ट है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का हमने से पढ़ा ना, ऑफ स्टडीज, स्टडीज के बारे में पढ़ा है। चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेकन एसेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकन के एसे की सबसे खास बात क्या है। हिज एसेज आर फेमस फॉर देयर कंसाइजनेस, अफोरिस्टिक एंड ब्रीफ स्टाइल। कि उसके एसे में हमें एक ब्रेविटी मिलती है, संक्षिप्तता मिलती है, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहता है वो, फालतू की बात नहीं करता, टू द पॉइंट की बात की है। उसका एसे जब भी हमको पढ़ेगा। मेन वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन, ये इंपॉर्टेंट है। उसका पहला जो कलेक्शन था एसेज का, ये जो 1597 में आया था, इसमें बहुत सारे एसेज आए थे, ये कलेक्शन था। Expanded in later editions, Advancement of Learning 1605, Novum Organum 1622 and New Atlantis 1627। ये एक वैज्ञानिक टाइप का आदमी था और इसकी मृत्यु पता कैसे हुई, ये देखना चाहता था कि बर्फ़ का इंसान की मतलब शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसने अपने आप को बर्फ़ में ढक लिया, सिलिया रखवा दी अपने ऊपर। इसको ऐसा लगता था कि बर्फ़ से बॉडी सही रहती है, क्योंकि तो मुर्दा को भी बर्फ़ में रखते तो गलता नहीं है ना। तो ये एक तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया, वो बीमार हो गया, निमोनिया हो गया उसको, मर गया। उससे पहले काफ़ी कुछ लिख गए, बढ़िया, उससे काफ़ी विद्वान आदमी था। ओके, 40 क्वेश्चंस बहुत आज के लिए।